अरे हंसी मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो डिबेट फिबेट है ना, वो शादी के बाद नहीं चलेगा। हमारे घर की बहुएं ये सब नहीं करती है। क्यों बहू? हाँ, मुझे भी संगीत का बहुत शौक था, लेकिन शादी के बाद सिर्फ घर और संसार, बस। ये तुम्हारा बैग। सब कुछ कितना खूबसूरत है ना। बहुत साल हो गए खुद को नेचर के करीब फील किए हुए। करेक्ट, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। हम भी, ये नजारे भी, और ये मौसम तो लाजवाब है। तो क्या बोलती हो, वो करें? चलो ना, करते हैं। क्या? अपने बैग में से सोना निकालो जो बैंक से लूट के लेके आई थी तुम। अच्छा वो? हाँ वो। पी पी पी। यस। पापड़ पाई पार्टी। वाह, चलो। मैं तो थक गई, कितना भगाते हो तुम यार। By the way, मुझे तो किसी ने कहा था कि तुम बड़ी experienced, trained tracker हो। फिर क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कैसे थक गई? चलो मैं बैग निकालता हूँ। क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या? स्लीपिंग बैग? अरे तो क्या प्रॉब्लम है, तुम ये स्लीपिंग बैग ले लो ना, मुझे वैसे भी सोना नहीं है। आ जाओ, ले लो। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे, मुझे भी नहीं सोना। अच्छा सोना नहीं है, बैठना तो है। आ जाओ, तुम इसी में बैठो। आ जाओ, कम बैठ जाओ यहाँ पे आराम से। मुझे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी शांति है ना यहाँ पे। तुम्हें पता है ये मेरी फेवरेट जगह है, अक्सर मैं यहाँ पे अकेले आ जाया करता हूँ सुकून की तलाश में। आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना। करण जी कैसी लगी? अच्छी बनी है। ये सारी चीजें सभी ने अपने हाथ से बनाई है, खाना बनाने में तो एकदम नंबर वन है। अपनी मुर्गी के बारे में तो सब लोग यही कहते हैं, बाहर होटल से खाना मंगवाते हैं और कहते हैं कि ये सब हमारी बेटी ने बनाया है। जी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता और ना ही हम झूठ बोलते हैं। हमारी सभी बिल्कुल ऑलराउंडर है,
कोई भी काम हो, घर का फ्यूज खराब हो गया हो या बैंक का कोई काम करना हो, फटाक से कर देती है ये। इसे बस इसकी स्कूटी और उसकी चाबी दे दो, पूरे रामटेक शहर में जो भी काम हो सब एकदम ऐसे बस हो गया समझिए। ठीक है, पर यहाँ ये जो भी काम करती है हमारे वहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। भवानी जी, हमें सिर्फ बहू चाहिए, बाकी के कामों के लिए हमारे वहाँ नौकर चाकर हैं। वैसे सभी घर के सारे काम कर लेती हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई सब आता है इसे। ये टेबल क्लॉथ, ये सारी पेंटिंग और ये जो ये लेस है, सारी एम्ब्रॉयडरी इसी ने की है। इसका ज्यादातर काम तो बड़ी आजी ने किया है, वो मैं सीख रही थी तो थोड़ा बहुत मैंने कर ली। भवानी जी, आप तो बड़ी तारीफ कर रही है इसकी, लेकिन जरा हम भी जांच परख लें। हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जांचने परखने ही तो आए हैं, कीजिए। हेलो, क्या तुम रीवा ही हो ना? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पूरे रास्ते तुम इतना चपड़ 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 करके आ रही थी और अब सडनली चुप बैठी, तो इसलिए मैं जरा सोच में पड़ गया कि तुम रीवा ही हो या फिर कोई और। सॉरी, तुम अकेले ही नहीं हो जो रीवा को ढूंढ रहे हो। मैं कई सालों से रीवा को ढूंढ रही हूँ, धारा बन के। मतलब इतने कंफ्यूज मत हो, तुम किसी और के साथ नहीं हो। नहीं, मैं एक्चुअली कुछ समझा नहीं। तारा बनके तुम रीवा को ढूंढ रही हो? तारा मेरी बहन थी, उसे किताबों से बहुत प्यार था, किस्से कहानियों से प्यार था, और मुझे उन कहानियों के परिस्तान से आए हुए राजकुमार से। उसे पढ़ लिख के मुकाम हासिल करके दुनिया में अपना नाम करना था, और मुझे किसी प्यार करने वाले की पूरी दुनिया बन के जीना था। बिल्कुल अलग थी हम दोनों बहनें, वो स्कॉलर थी और मैं सर से पैर तक फुल रोमांटिक। वो ना सपनों में जीती थी और मैं सपनों की दुनिया में। फिर एक दिन तारा हमेशा के लिए तारा बन गई, हम सब कुछ छोड़ के चली गई। कुछ सालों पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, तारा तो चली गई लेकिन अपने सपने छोड़ गई मेरे लिए। वो सपने जो हमारी मम्मा ने देखे थे, वो चाहती थी कि उनकी दोनों बेटियों में से कोई एक बेटी तो पढ़ लिख के मुकाम हासिल करे, दुनिया में नाम रोशन करे। इसलिए ये सपना मम्मा का था जो अधूरा रह गया, जो वो चाहती थी कि उनकी बेटियां पूरा करें। बस तब से मम्मा का और तारा का सपना जीने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, कभी कभी रीवा की बहुत याद आती है, पर जब भी याद आती है तो उसे ढूंढते हुए ऐसे नेचर के करीब चली आती हूँ, वो रीवा फिर से महसूस होती है। जैसे मैं चलाता हूँ। सभी बेटा एक काम करो, वो फ्लावर पॉट लेके आओ। हाँ, मैं लेके आती हूँ। एक मिनट, सभी बेटा आप जाओ और हमारे पास वो फ्लावर पॉट लेके आओ।
सभी जैसा कह रहे हैं वैसा कर। अब तो मैंने खुद की तलाश करनी भी बंद कर दी। पुरानी यादों में अपनी झलक देख के खुश हो जाती हूँ। और तुम जैसा कोई पुराना दोस्त मिल जाए तो पुरानी यादों को फिर से जीने में सुकून मिलता है। मैं ही बोलती रहूंगी क्या? तुम कुछ नहीं बोलोगे? शर्माओ मत, बोलो, अपना भी दिल हल्का कर लो। मैं भी बस कुछ यादों का बोझ लिए घूम रहा हूं। कभी कभी सोचता हूं कि इंसान की कमी ज्यादा खलती है या फिर एक रिश्ते की। हो सकता है दोनों की। तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट मी। देखो मैं कोई जज नहीं करने वाली और ना ही सब कुछ ठीक हो जाएगा वाला दिखावा। तो यहां से सिर्फ दोस्ती मिलेगी। सो कम ऑन शेयर। प्लीज मत जाना। अभी मुझे जाना होगा ईशु। हमारे दर्द एक जैसे हैं रीवा, मगर एक नहीं है। किसी को खोने की तकलीफ जानता हूं मैं, किसी अपने से जुदा होने का दर्द समझता हूं, लेकिन तुम्हारे और मेरे दर्द में फर्क है। क्योंकि तुमने जिसको खोया तुमसे प्यार करती थी, मैंने जिसको खोया उनकी तो वजह ही ये थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। बदकिस्मती है मेरी जो मेरा उनके साथ कभी कोई रिश्ता था। दुनिया के सारे रिश्ते झूठे हो सकते हैं, लेकिन एक मां बेटे का रिश्ता कैसे झूठा हो सकता है? तुम्हारे पास कम से कम अपनी बहन की कुछ अच्छी यादें तो हैं। तुम उससे प्यार करती थी, वो तुमसे प्यार करती थी, तुम उसका सपना पूरा करना चाहती थी, और मेरे पास मेरी आई की क्या याद है? जब भी मैं अपनी आई के बारे में सोचता हूं तो बस एक ही पल याद आता है, जब मुझे वो रोता बिलकता छोड़ के चली गई थी। दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे सच्चा रिश्ता, उस दिन रीवा मेरे लिए झूठा साबित हो गया। बहुत सालों तक इंतजार किया मैंने उनका कि वो वापस आएंगी, शायद मुझे मिस करेंगी तो आके मुझे गले लगा लेंगी, पर नहीं आई। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए वो इतना आगे निकल गई कि वो अपने बेटे को वक्त ही नहीं दे पाई। कैसे एक माँ अपने इकलौते बेटे को उसे छोड़ के जा सकती? मेरे साथ आओ। रख दो। फोटो में तो काफी अच्छी लग रही थी तुम, लेकिन सामने से काफी चमकदार बाल है। आ
भवानी जी, और क्या क्या गुण है आपके सभी में? तो भजन कीर्तन आता ही होगा, है ना जी? गाना बजाना, भजन कीर्तन सब आता है, नाचना भी आता है। नाच के दिखाऊं? ताई, एक कड़क सा गाना लगाइए ना, नाच के भी दिखा देती हूँ। जांच परख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ना। आज सारा टैलेंट दिखा दूंगी। सभी, नाचना वाचना रहने दे बाड़ा। हाँ हाँ, रहने दे, अच्छे घर की लड़कियाँ ये सब नहीं करती। अजीब, अगर सभी जी को डांस करना है तो करने दीजिए ना। आप गाना प्ले करिए। हरिणी, एक चांस भजन लाओ। साई, मुझे दीजिए, एक बढ़िया सा गाना लगाती हूँ मैं। अपनी बाहें फैलाओ। क्या? और अब जोर से चिल्लाओ। क्या? क्यों? चिल्लाने से तुम्हारे अंदर की दुख, तकलीफ, दर्द जो भी है ना, सब बाहर आ जाएगा। चिल्लाओ, और देखो दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तो कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तुम चिल्लाओ। तेरे लिए तेरे बेटे से ज्यादा जरूरी है तेरा काम ना, तो तू जा अपना काम कर, हम हमारे बच्चे को संभाल लेंगे। ईशान, एक और बार, वंस मोर ईशान। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।